आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। टाइम्स टीवी द्वारा प्रसारित टाइम्स टॉक कार्यक्रम में अपने सबके स्वागत। हम वीरेंद्र मन। आई हम सब राजनीतिक विषय वस्तु में अखन जे देश के वर्तमान अवस्था, एमाले के भूमिका अर्थात एमाले और अखन के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के एकता प्रक्रिया, तकर बाद प्रदेश में भूमिका लगायत के विषय वस्तु के केंद्र में राखि कऽ आई हम सब संवाद करब। हमरा सबके अतिथि छथि राजकिशोर यादव, तात्कालीन नेकपा एमाले के जिला अध्यक्ष, अखन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता। तो सबसे पहले स्वागत करी राजकिशोर जी के। राजकिशोर जी स्वागत। धन्यवाद अपने के। एकता प्रक्रिया कोन रूप से आगा बढ़ रहा है, किया तो केंद्र में तो एकता भ गेले, जिला में जिला जिला प्रदेश सब में एकता बाकी छे, कोन रूप से आगा बढ़ रहा है? एकता प्रक्रिया के संदर्भ में मैंने केंद्र स्तर में मैंने केंद्र कमिटी गठन भ चुकल छे, थाई कमिटी गठन भ चुकल छे और विभिन्न प्रदेश और जिला के गठन कर ले, सातों प्रदेश में कार्यदल गठन भेल छे, चार पांच सदस्य कार्यदल गठन भेल छे और सुझाव सलाह ल रहल छे, तीन महीना भीतर में सलाह अथी करके छे, शायद आइए थाई कमिटी के बैठक बैठा जा रहा है, आइए बैठक निर्णय भी भ सकते थे यही संदर्भ में। फिर तो सबसे पहले पार्टी के विधान तैयार नहीं मिल सकते ना, राजनीतिक दस्तावेज बनने से लेकिन फाइनल नहीं मिल सकते। अब उस सारा शायद आई की बैठक से वह उनका मूर्त रूप दकर फाइनल करते और विधाने नहीं आला के कारण कहीं कुछ कठिनाई सब हो रहा है, तल स्तर के कमिटी कते सदस्य बनाए जाए, इन्हें की मापदंड रखा जाए, है अब दू पार्टी एकता भेला के बाद उनकर कौन ढंग से कते सदस्य बनाए जाए, तो इस सब के संदर्भ में मैंने विधान स्पष्ट रूप से खाका कोरे थी, तेकर बाद मैंने लागू कर दुटा दुटा पार्टी नेकपा एमाले ने उहो एकटा अलग सिद्धांत के राजनीति करे वाला एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले जे अखन कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनल छै, एमाले नेकपा एमाले और एकीकृत माओवादी, दुटा दुनू के विचारधारा फरक फरक मिलन भेलै। अब कोनो भी कम्युनिस्ट पार्टी के मेन विचारधारा एकटा होइ छै, मार्क्सवाद लेनिनवाद और माओवाद विचारधारा से जे प्रीत मैंने माओवादी सब जे गठन करने छलै, तो रहि गेलै समाजवाद साम्यवाद के अंतिम लक्ष्य, अब ई जग जाहिर छै बात, अब रहि गेलै रास्ता फरक रहल, मैंने अब कोई क्रांतिकारी धार लग अखन तो विप्लव से क्रांतिकारी धार अथी गेल छै, मोहन भाई से क्रांतिकारी धार गेल छै, हमरा सबके जे डायलॉग होइ छै अब आप कौन गणतंत्र लाइब, अब हाँ जब गणतंत्र ये लाइब तभी होते, अब तो गणतंत्र में हम सब आ चुके, संघीय गणतंत्र संविधान में हम सब आ चुकल छे, गणतंत्र देश भ चुकल छे, राजा जनता में आ गेल छे, जनता के बेटा राष्ट्रपति बन रहल छे, प्रधानमंत्री भ रहल छे, अब तो मैंने अब समृद्धि लाबक छे, ठीक छे, कमी कमजोरी कतक की सब जगह सच्चाई जाए, पूर्ण रूपेण जनता के अधिकार दे जाए, पूर्ण रूपेण जनता के मालिक बनाए जाए, हमारे सबके कमी से अब रह गए विचारधारा में, तो घर परिवार चलब में तो एक बाप के चार पांचा बेटा से कुछ न कुछ विचार फरक भाई है, कांग्रेस में छी और विचार फरक फरक रहा, एम एल ए में छी सबके कनी कनी विचार कनी न कनी दृष्टिकोण चलक ही रहे, लेकिन जो मूलत सिद्धांत में हम सब एक छी, मूलत सिद्धांत के माओवादी के जनवादी गणतंत्र, अहा सबके जनता के बहुदलीय जनवाद, अब वही के मैंने हमरा सब के टुंगो लाग चुकल छे, अभी के समुदाय महाधिवेशन में जाके फाइनल होके बात छे, महाधिवेशन में जे लाइन मैंने निर्णय होती महाधिवेशन तो ओकरा स्वीकार करके जाके बात छे, ओहि में अब कतो हमरा सब बात छे, अब अभी जे जनता के बहुदलीय जनवाद सेहो अपन संगे संगे जेथिन और माओवाद सेहो मैंने संगे संगे, बात देना छे कि आम जनता या जे राजनीति के जान वाला ई सब की कह रहल छे जे अखन जे पार्टी एकता नहीं भेल छै कि पार्टी विलय के अवस्था में गेल छै, माओवादी एमाले में जाकर विलय कर गेल छै, नहीं गलत बात छै, है ना, ई एकदम सरासर गलत छै, एमाले भी माओवादी में विलय होइ छै, माओवादी एमाले में विलय होइ छै और ओ दुनू विलय भ कर एकटा नया समुद्र बनल छै, जे समुद्र के धन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, ओ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं एमाले रह गेलै नहीं माओवादी रह गेलै, तो विलय भेल दुनू विलय भेल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में आबके विलय भ गेल, एकटा समुद्र में आबके मैंने विलय भ गेल छै, मैंने ये हम सब जाने था चारनाथ नदी से या कमला नदी जहाँ दोनों जाके समुद्र मिल जाए तो समुद्र हो, अब मैंने कोनो वो उनका में बिना भेजे वो उनका में निश्चित नहीं है, हम सब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सिपाही भर चुके थे, हम सब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भर चुके थे, नेता भर चुके थे, अब हम सब एक भर चुके थे, अब ने माओवाद रह गए थे नहीं एमाले रह गए थे,
जब तक माओवादी छे तो माओवादी छे एमाले छे एमाले छे तखन ओकरा में मिले कि ओकरा मिले अब तो दुनू मिश्रित भग कुछ दिन तो कनी चले अब जब ये दूटा नदी जब मिले न तो कुछ पानी के कोनो में उजर पानी भेत कोनो में धमिलो भेत रहे एहन मैंने कहीं दूर तक कहीं जाकर और विशेष दूर गला के बाद सब एक भाई थाय लगे कौन पर नदी के तहिना अखन मैंने कहीं जब तक पूर्ण रूपेण अब गाँव स्तर के कमिटी नहीं बनल क्षेत्र स्तर के कमिटी प्रदेश स्तर के नहीं बनल जिला स्तर के नहीं बनल तब तक कहीं बुझाइ माओवादी मिसाइल एमाले मिसाइल अब हमसब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सिपाही बल अब हमारे को भेदभाव नहीं को किसम के हमारे सबके नेटिव पार्टी में अब सुभाई बल अब राजनीति में तो घर परिवार में कहीं ना कहीं ऋतु होते रहते तब सुभाई विभिन्न विचारधारा से विभिन्न मान्यता लाइन क्लियर भाई कहीं ना कहीं तो होते लेकिन हमारे अब को किसम के ध्यान नहीं जिला में जनयुद्ध के क्रम में जखन माओवादी जनयुद्ध में रहे शांति प्रक्रिया में अलग शांति प्रक्रिया में अलग के बाद में हासिल सरकार गठन लगाए के प्रक्रिया कतौ न कतौ हासिल के पार्टी के बीच में मनमुटाव ओ पार्टी के रहले जनयुद्ध प्रक्रिया में सेहो सबसे बेसी आगे कार्यकर्ता के जो मारे के बात होते ते नेकपा एमाले के कार्यकर्ता मरल से जे माओवादी पक्ष द्वारा अब जे मिलन छे वो मिलन हृदय से मिलन होते विगत में मैंने बहुत तीथा मीठा भले मैंने उस सब के हम सब भूल चुके थे माओवादी द्वारा भी बहुत एमाले के कार्यकर्ता मारल गए रहे एमाले द्वारा भी बहुत माओवादी के कार्यकर्ता मारल गए रहे तो उस सब पार्ट चैप्टर समाप्त भ चुका है अब मैंने हमारे सब के विगत के द्वारा सब क्या कर अब हमारे सब के उद्देश्य एकटा है लक्ष्य एकटा है दूरगामी सोच एकटा होते नेपाल के समृद्धि बनाओ नेपाल के विकास लाओ नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय जगत में एहन नेपाल बनाकर देखाबी ताकि मैंने नेपाल के पूरा संसार में चिन्ह अभी हम सब पशुपति के नाम से जानकी जी के मंदिर के नाम से मैंने सगरमाथा के नाम से हम सब पहचान पाने बुद्ध के नाम से पहचान अब मैंने नेपाल एक छोट मुल्क हो तो समृद्ध नेपाल से संपन्न नेपाल से एकदम विश्व में एक चर्चित हो वाला नेपाल के हमारे खाका बनाबे अब रह गए कनिक टाइम तो लगते सुहाई के बाद बहुत मैंने पुरना संरचना सब से पुरना संरचना के अब विचार सबके मैंने समाप्त कर रखे थे अब नया हम सब फड़को मारि चुकल छी संसद भी भगल छे संघीय संसद के छे प्रदेश सब सरकार सब बन चुकल छे स्थानीय सरकार सब बन चुकल छे अब कुछ दिन तक कनिक कठिनाई सब होते कुछ दिन मैंने सुहाई के बाद छे हम सब काल्हि तक लग मैंने केंद्रीकृत शासन में छी अब सब हम सब मैंने केंद्रीकृत शासन में छी तो सुहाई के बाद कथी कहीं ना कुछ कठिनाई सब होते लेकिन कुछ एक साल डेढ़ साल में सारा मिटाए थे और तक बाद नया अभी के संरचना से बहुत अगड़ी द्रुत गति में बढ़ते और हरेक ठाव में विकास के लहर बढ़ते हरेक ठाव में तो बजट पर्याप्त है वह बात तो अहाँ के पार्टी के नेता वर्तमान में मंत्री रघुवीर महासेठ कहलखिन जे जनकपुर के हम सब विशेष रूप से पैकेज देवे विकास करे के लिए लेकिन जखन बजट भाषण अलग तो जनकपुर पूरा के पूरा उपेक्षित अवस्था में चल गए किछ नहीं भेटल जनकपुर के कहे जे प्रदेश नंबर दुए के एक उपेक्षा कर गए वर्तमान सरकार द्वारा नहीं नहीं सारा सब गलत है अगर जो कोई कहे गलत है पहले तो तराई मधेस की छुट्टी पकड़ देखी हमारे सबके भौतिक पूर्वाधार माननीय मंत्री रघुवीर महासेठ जी तराई मधेस के छुट्टे एक विकास के पैकेज लड़खिन एक कार्यक्रम लड़खिन मैंने जे उपेक्षित करके सब छुट्टे जे विकास के बजट से सही है जे देश में लेकिन मधेस के छुट्टे दुधवर प्रदेश का छुट्टे पैकेज तराई मधेस का छुट्टे पैकेज यहाँ के पार्टी छुट्टे बजट लाइव का चूरे के पूरा सरकार हमर पार्टी सरकार यहाँ के पार्टी के सरकार सरकार में वो बिंद्रो यादव जी था तब उपेंद्र यादव जी का प्रसंग कम कर दे रहे हैं और सरकार के समर्थन में अपने के राज्यपाल से हो छे मैंने सरकार के अन्य पार्टी सब भी समर्थन करे थे तो ते बारे में अब हमारे पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अपने रह गए है वही फोरम संघीय समाजवादी फोरम के सोचे राजपा के मित्र सब सेहो समर्थन करे थे है अन्य पार्टी सब और सत्य की अबेर के बजट में आज तक नेपाल के इतिहास इतिहास 46 साल से बहुत अलग के बाद प्रथम चोटी सर्वसम्मत मैंने बजट पास भले अपने सुनबे नेपालियों कांग्रेस एक समर्थन करते तो ये एक अपने आप में बहुत महत्व रखे थे बहुत महत्वपूर्ण थे के लिए तो देश के हम सब मैंने बनावा चाहे थे देश की समृद्धि लावा चाहे थे और कहीं तक के तीता मीता झिना मसीना में हम सब वाले आग में हम सब समय की खेल निकाल रखे थे और कोई ठाव में की कर रखे थे मधेश में की कर रखे
मामे की करते थे मैंने सात नंबर प्रदेश में की करते थे मैंने पांच में की करते थे और हमारा शब्द तेरह नंबर ठाकरा लावी और मैंने वही प्रदेश के समृद्धि बनावे और विकास के लाभ लावे शिक्षा में की करते थे सिंचाई में की करते थे ट्रैक प्रस्तुत करो योजना लाओ और वही की मैंने सरकार के कार्यों पर के जिम्मेवारी दी उनके आपका काम सरकार भूला की सड़क पर बनाव के ध्यान नहीं जाए छे लेकिन चूड़े के विनाश क पूरा जंगल के नाश क मदन भंडारी राजमार्ग बन गई छे नहीं अब हुलाकी राजमार्ग नहीं बनावत चाहे रल से बात नहीं थी हुलाकी राजमार्ग बनावत मदन भंडारी राजमार्ग बनावत के की औचित्य था अब नाम तो मैंने बीपी राजमार्ग के भी नाम हुआ तो नाम सुने के विनाश कर जंगल के विनाश कर एक था महेंद्र राजमार्ग अखन लोक राजमार्ग नहीं कह के मतलब की है मैंने नाम में हम सब ने वाली नाम में हम सब वाली के मैंने खेल नहीं पाली अब प्रदेश के नाम करके हम सब विवाद कर रहे थे की छे मैंने अभी तो मैंने पूरा संविधान स्पष्ट रूप से लिख दिया द्वितीय से आप पास कर नाम कैदर से सामान्य बहुमत से पास सामान्य बहुमत से आप नाम कर नहीं कर सक दिया मधेश राखब कि जानकी प्रदेश राखब कि कौन प्रदेश राखब नगे छे लेकिन हम सब पास नहीं कर सक और दूसर प्रदेश नामकरण से पास कर और जो आसन छे तो कह के मतलब हम सब नाम में नहीं एटा सहमति कर एटा खाका बनावी कौन उत्तम मत ओहुम मैं चार पांच नाम दे दिया ना सागर सागर नाम दे दिया ना की सर की क्लियर करूंगा अब जहां तक सर के बाद जहां तक कह दिया सर के बाद में इससे पहले जब पूर्व मैंने केपी ओली के नेतृत्व की सरकार है नॉमिनल सरकार जिस टाइम में उतने भारी नाका बन गए तेई टाइम में देश के अर्थव्यवस्था मैंने एकदम टाट पर तेई टाइम में मैंने 4.5 करोड़ रुपया तक मैंने भुला के रोड के मैंने शुरुआत कर दी वो केपी ओली के नेतृत्व की सरकार अहू बेर मैंने जे इस सरकार जे है और भौतिक पूर्वाधार यथात मंत्री से हमारा बात भेल हम के लिए जे टाइम बजट बने जे टाइम हम काठमांडू में रहे उनका कहल कल नहीं हमारा एकदम पूर्ण ध्यान हम एक बनेबे और ओतबे नहीं बनल के बाद अभी जे 2 लाइन 4 लाइन करके हमसे बात कर जे मैंने अखन तक पूर्वाधार तैयार करूँ जे मैंने एक 4 लाइन बन जाए बढ़िया से बनाए जाए कहकर भविष्य में एक बहुत निक बनाए देते हैं तो कह के मतलब बात भलते खाका सबके अब टाइम तो लगते टाइम लगभग टा कर अब समय आब रहा है कुछ दिन के बाद अब देखे बहुते चीज फर्क बना बहुते चीज अब कहे सरकार खाली गपे दे सरकार काम कर देखा चाहिए गप नहीं आ देव चाहिए कल तक गप देते लेकिन अब केना के विकास होते केना के समृद्धि हेतु केना के हरेक ठाव में एक विकास के लड़ हेतु तै पर सरकार बहुत गंभीर चिंतन मनन कर रहा है अभी भरकर चाइना से समझौता कल देखे के लिए रेल मार्ग के बारे में रोड के बारे में बोले इंडिया कहते इंडिया के साथ बहुत दूरी बढ़ गई कहते उधर संबंध बन गए मैंने के भी देख गया है मोदी जी भी एलखिन है फोन आवे के बाद भ रहा है तो कह के मतलब है हमारा सबके नजदीकता मधुर संबंध बेल से और एक हम सब शुभ देखी है हम सब सकारात्मक रही निक सोच लग हम सब चली तब भविष्य भी हमारा सबके निक रहते सोच भी निक होबक चाहिए पहले तो अय हमारा अनावश्यक विवाद जे हो बात के तो बात के हम सब विवाद तक अलग जाए छे अब जनकपुर के विकास में अभी के ओरने छे के बुझ के छे गत गत किचर छे तो बंत रह छे लेकिन धीमी गति में छे वो जना वो सरकार सब के ताबे चल छे ना हमर कह के अर्थ है जे ऑल यदि राजमार्ग के बात करबे तो अखन त राजमार्ग क्रिया चल रहल छे दौड़ रहल छे आर्थिक गतिविधि बढ़ रहल छे हालांकि राजमार्ग यहाँ के पार्टी कह रहा है यहाँ के नेतृत्व वाला यहाँ के पार्टी नेतृत्व में सरकार कर रहा है वो कह हम बनाबे सब दल के चाहना से यहाँ के हालांकि राजमार्ग बने तो नया राजमार्ग बनाए चूड़े के विनाश कर कर जंगल के विनाश कर कर नया राजमार्ग बनाए क्या चाह रहा है सरकार नहीं नहीं नया राजमार्ग नहीं बना होते मैंने जनता के अधिक से अधिक सुविधा केना होते जनता के मैंने यदि जनता गांव से जोड़ के लिए जनता अधिकार के लिए जनता अपन पहचान के लिए संघर्ष करते तो वो राजमार्ग चलते ही बंद हो रहते जो ये सोचे कि ये काठमांडू केंद्रित सोच के विकास कर रहे हैं काठमांडू केंद्रित सोच नहीं प्रदेश के लिए सोच अब होते हाँ प्रदेश के बजट आये थे मैंने प्रदेश में बजट गए थे है ना आप धरना तैयार करूँ हाँ काम करूँ ठीक दादू से बजट दादू कहता है तो हूँ मैं हमारा सबके और बढ़िया मौका है तेरे तो मोदी जी के मंत्री थे ना रवि जी तो हमारा सबके तो आदरणीय नेता भी छत और मधेस के नेता सुहो छत हमारा सबके लोकतांत्रिक मधेस संगठन के केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी छल की ना और वही माइंड पैन के भी हुरकल थे और तो हमें भौतिक पूर्वाधार यातायात मंत्री थे उनका भी दायित्व बने थे जे कते ज्यादा से ज्यादा मधेस में मैंने हम विकास करी
तो हमें होला कि राजमार्ग तो पटक पटक हरेक मंच पर हमारे महासचिव बोले मंत्रीजी बोले सर जी मैंने हम बनाए बनाए है जी अतिवेद एक फोर लाइन बनाए एक बजटिंग के नहीं तो होबेर बजटिंग के नहीं और एक फड़ाकिलो कर के रूट की चू मैंने धरना लेने से तो प्रदेश दू नंबर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहा थी जो संघीयता विरोधी शक्ति सब संघीयता के असफल पार के प्रयास कर रहा है कतौ न कतौ संघीयता विरोधी अहिं सबके पार्टी पर आरोप लगे नहीं गलत बात है अगर मुख्यमंत्री जी तई ढंग से तो हमारा नहीं बुझा जे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बाप से कम्युनिस्ट पार्टी के नाम है लेकिन संघीयता विरोधी तो अहीं के पार्टी है ना देखो हम ये कह सब जखन संहिता के बात उठे जै टाइम में मैंने यहाँ के अंतिम संविधान जो घोषणा भेल 63 के आंदोलन के बाद तै टाइम में हमारा सबके पार्टी के सर्वोच्च कमांडर माधव कुमार नेपाल रहते महासचिव रहते पार्टी के वह टाइम में संहिता के उठाव वाला जोरदार से आवाज उठने थे अंतिम संविधान के टाका में माधव कुमार नेपाल तै टाइम प्रधानमंत्री विद्या प्रसाद कुरा रहते हैं माओवादी के आयल मैंने जनयुद्ध में आयल मैंने प्रचंड लेकिन नोट ऑफ डिसेंट लिखा नोट ऑफ डिसेंट में कहलके फर्स्ट पीठ में जा पछाड़ी में लिखने जा तो हां ऊपर ना पलटा के देख सके छी हम सब संहिता विरोधी नहीं छी हां हमरा सब आरोप ठोकल गेले आरोप लगाएल गेले जे एमाले संहिता विरोधी है हम सब संहिता विरोधी हम सब संघ का कमल विकास के अगाड़ी बढ़ाओ चाहे छी और केंद्र सकारात्मक में रहते माओवादी के प्रचंड भी सकारात्मक छे आई हम सब भी सकारात्मक छे पूरा और भी हो मैंने हम सब संहिता छोटा प्रदेश भी हम सब सरकार बनने छी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अपन सरकार छोटा प्रदेश में सातों में मांगा अब सात में हम केना अभी तो आई दुआरे की उपेंद्र यादव जी सरकार में बहुत समर्थन के केंद्र में सरकार में गेला के बाद में अइठा महा के विकल्प में रखने से जो राजपा समर्थन फिरता ले छी त आहा सब के तुरंत वेलकम करता आहा सब दूर के चल जाबे ठीक अखन त केंद्रीय सरकार के संघ सरकार के त मैंने रतपो समर्थन करने छे सब समर्थन करने छे और अभी के दू नंबर प्रदेश के सरकार छे मैंने अलग जी अपने प्रमुख नेतृत्व में छे तो के त हमहु सब समर्थन जे मालूम आवाज सब करे छे अब त हम सब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी होत त ओहिना समर्थन छे कोन अखन त अब दू नंबर प्रदेश में सबसे बड़का पार्टी हम छे सबसे बड़का पार्टी मैंने फॉर्मो से हम सब अगाड़ी छे रतपो से अगाड़ी छे यानी सब छे तो कह के मतलब तो हमरा सब तेहन भावना ने छे हम सब चाहे छे मैंने समृद्धि की ओर हम सब बढ़ू समृद्धि की ओर केना के देश के लगाए मधेश के केना लगाए दू नंबर प्रदेश में केना समृद्धि है एक बात गौतम यादव के सरकार में ल जाए के कारण कथि त अब स्वाभाविक बात है मैंने उपेंद्र यादव जी के लगाई के लिए तो मैंने पहले सर राजपाल जी से बात की उपेंद्र यादव जी के विचारधारा आंसू के पार्टी जब के मिले चले क्या कह हुनकर मधेश देखावटी मात्र से कम्युनिस्ट पार्टी के विचारधारा बेसी मिले छी अब ये बात तो हम हेरा लेकिन अते बात जरूर छे जे कतो न कतो कम्युनिस्ट विचार से उन्नति छे केले तो कल तक लोग ये मालिक पार्टी के नेता रहते उपेंद्र यादव और जब निया में वो थे वो फोरम के गठन कर लिखे तो उस टाइम में माओवादी के साथ वो बहुत निकट रहते माओवादी ये बिन गिर रहते जो हमारा पड़िए लेकिन उनकर मधेश की इशू रहा मधेश आंदोलन के ना बढ़ते मधेश के समृद्धि के ना होते मधेश के जनता के ना अगाड़ी बढ़ते सिर्फ उनकर इशू रहे और वही के लिए लड़ाई जारी रखने रहते वो हरेक कोण में हरेक ठाव में वो अपन संगठन निर्माण करे भीतर भीतर से मैंने वाह तो आहा सब तो बना गजब आरोप लगने आहा सब के पार्टी हमरा सब के साथ नदी छे अखन तो मैंने उनका राष्ट्रपति पद ना लिए में छे प्रचंड जी के वाह अवधारणा रहते उपेंद्र जी के वाह अखन हम सब कार्यकारिणी प्रधानमंत्री हो और उनका सब कार्यकारिणी राष्ट्रपति हो ते ने के अवधारणा और उपेंद्र जी के और प्रचंड जी को बात मिली छे कल तक में संविधान घोषणा वर्ष पहले तक वही थे अखन तो वही को अड़ थे तब एक मतलब कल कमी स्वागत से बात नहीं थी है ना अमेरिका में तो राष्ट्रपति को नाम थी भारत में तो मेरे प्रधानमंत्री शक्तिशाली थे तो की थे विभिन्न ठाव में अपन अपन देश के अनुसार मैंने वे के जनता के चाहना अनुसार ऊ ढंग से मैंने संविधान में बोले थे कार्यकारिणी के खिलाफ बनाने जाओ ये हमारा सब प्रधानमंत्री प्रणाली है मैंने संसद ये ढंग से जब एक बात कहूँ ना ईमानदारी से लाल बाबू राव के काम कर्तव्य सर अहाँ सबके पार्टी कते संतुष्ट है अब लालू रंजी के कार्यकाल से है ना हमारे पार्टी पूर्ण में संतुष्ट नहीं है फिर जो ओकर जो ढंग से एक्टिविटी धार रहा थे है ना पार्टी के साथ मैंने वन ढंग के कोऑर्डिनेशन करो सर सलाह करो प्रति दल सब सब भी सर सलाह करो और मधेश के ना समृद्धि लाए मधेश में केना विकास कर जाए मधेश में केना आर्थिक उपार्जन होते एक के महासचिव के वर्तमान सरकार के लाल बाबू राव बड़का चुनौती दिलक है ये बुझल
अब चुनौती दिला अब हम सब मंच में ढंग से नहीं कह सकते ना इधर के लेकिन जे जे सर जे संविधान के रहते हैं नेपाल मा संघीय संघीय कानून संग बाध्य को अन्य कानून हरु स्वतः रद्द होने छा संविधान में लिखल से संघीय प्रहरी एन न बने सम्म प्रदेश को प्रहरी एन बनना पाऊं देना इन संसद में प्रस्तुत भगले प्रहरी एन के कतो चर्चा नहीं छे आज चुनौती दल आला आज सबके सरकार में रह का एक टाइम जगह ही चीज़ छाती पर मु दाल दे रहे डाले उम्र दे याद हो ऐना थे अन्य अब स्वाहिक बात से पहले हूँ सब मैंने समग्र मध्यस एक प्रदेश स्वाहिक प्रदेश बात से बहुत ही उठा चाहे अधिकार के बारे में बात भी उठा चाहे अधिकार संपन्न हो चाहे प्रदेश सबके अधिकार मिलत चाहे अखन कोई प्रदेश के मुख्यमंत्री का हमारा अधिकार नहीं मिलत चाहे चाहते सब चाहते ना कौन गांव पलका नगर पलका के मेयर उप मेयर सबको आते हमारा अधिकार नहीं मिलते है जे ढंग से मैंने संविधान में छे ओकर दुरुपयोग करते अब रह गेले थप उपलब्धि के लिए थप शक्ति उपार्जन के लिए अगर संशोधन के भी प्रस्ताव सोता आयल छे ना संघ में भी बात उठल छे प्रदेश में भी भैया जे 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 अहाँ के संशोधन के बात उठल छे जे जे मैंने कठिनाई भरल छे कहले तो ई नहीं छे प्रदेश सरकार अलग रास्ता में जा रहा है केंद्र सरकार अखन एक स्थिर अवस्था में कहा जाए ना क्या तो उनका जो पुरनका संबंध सब बिगड़ल छे वो सुधारे में लागल छे तकर बाद नियम कानून अन्य प्रोसेस में चल रहल छे स्थिर अवस्था में छे अइ अवस्था में तो द्वंद अवस्था देख रहल छे प्रदेश और संघ के बीच में टकराव के अवस्था आ रहल छे नहीं टकराव होते कोनो किसी के टकराव न होते उपेंद्र तो यादव जी के अहाँ सब किया नहीं कह रहल छी जे अहाँ सरकार में बैसे छी आ प्रदेश में जाकर बिना हमरा सब के सर सलाह करने प्रहरी एन के दत्ता करबै छी किया नहीं कहै छी अहाँ सब कि दोनों चरित्र खेलै छी अहाँ सब अहाँ प्रहरी एन के जहाँ तक बात भेलै ओ संविधान से जुड़ल संविधान से बाधल छै जब तक संघीय प्रहरी एन नहीं बनते तब तक प्रदेश के प्रहरी एन बनिए नहीं सके ठीक से अपन तो अवधारणा पेश करके अभी तो पूर्ण पे नहीं लागू तो अभी नहीं भले जब तक पारित तो संसद करते ना पारित तो बहुमत छे ओकरा पास पारित बहुमत छे है ना पारित तो होते नहीं हो भाषा पे थे ताले थातियो रख लेते लेकिन जहां तक अब हम यही निकली थी मैंने सर सलाह करके पूछ लाओ पड़ते मैंने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सभी सर सलाह करना पड़ते नेपाली कांग्रेस के भी सरसलाह कर पड़ते अन्य पार्टी जी भी है तो ऐसे सर सलाह कर मैंने अब राजपा और तो सरकार में थे अब जो विपक्षी पार्टी थे जो विपक्ष में बाहर से समर्थन करने थे तो मैंने समर्थन देने थे तो उनको सब सर सलाह कर जो की लैला से ठीक होते कत इन बादल से की नहीं बादल से की कैला से ठीक होते मधेश के की हक अधिकार और भी थप हमारा नहीं बुझाइए मैंने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सब विरुद्ध में सर सलाह कर अब रह गए अब कतो एन से बाझल कतो कानून से बाझल कतो नियम नहीं बनल से कानून नहीं बनल से आप से ढंग से लेते तो वो अवरुद्ध होते उनके अपने कतो न कतो बैक हो पड़ते दूसरे बात अब रह गए केंद्रीय सरकार के जहाँ तक बात है केंद्रीय सरकार जो कहली अपने जो शांत भक्त बैठल से चुप लागल से स्थिर स्थिर से अस्थिर से अब स्वाभाविक बात है हम सब बहुत गंभीर रूप से देश की अगाड़ी बढ़ना चाह रहे थे तो में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और हमारा सबके पार्टी के सर्वोच्च कमांडर अब दुटा नेता प्रचंड ओली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और मैंने प्रचंड जी पूर्व प्रधानमंत्री दोनों अभी बहुत गंभीर रूप से सोच रहे हैं जे देश के केना समृद्धि लाए जाए देश में शांति सुरक्षा देश में समृद्धि लाए जाए कि देश के अधिनायक वादी देश जी नहीं अधिनायक बात अधिनायक बात जनता के विरोध प्रदर्शन करके अधिकार है विरोधी पार्टी से जनता के विरोध सुनो ना अहा विरोधी पार्टी से कोनो निकाम के तो अधिनायक रे वो विकास के बात करे छे तो जनता के काठमांडू में विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है कि नहीं है प्रजातंत्रिक अधिकार है ना तखन की अब महानिषेध क्षेत्र घोषित कर छी कुछ सुनो कुछ तो निषेध क्षेत्र है अखन में है अगर यही एफएम के बात करो यही एफएम में कोई विरोध विरोधाभास होता है तो नीचे में आपके विरोध क्योंकि यही हॉल में आपके विरोधाभास करने का अधिकार तो नहीं दिल जाते मैंने अगर मैंने उनका कोनो चीज के कमेंट छे कोनो किसी का अगर असंतुष्टि छे भने तो निश्चित क्षेत्र ठप पर दिल रखा जाते कि मैंने यहां प्रधानमंत्री के अथि में जाकर निवास में जाकर हल्ला करो से मतलब छे समर्थन दिली फिर फिरता लेलिए ते द्वारा दूर छी
उपयोगिता अहाँ के कते उपयोगिता वो कर रहा है अहाँ के कते उपयोगिता ये पार्टी सब अखन अहाँ के उपयोगिता भवन से आ गए समय समय में अपने जी बनी जी सलाह ले समय समय में सलाह ले सर मुख्यमंत्री जी बनी सर हमारे संसदीय दल के नेता और प्रदेश के हमारे संसदीय सतनायक मंडल सर और संसदीय दल के भी माने के नेता अपन तब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भग के बाद अभी संसदीय दल के अथी नहीं बल्कि विधान नहीं बनाए कारण से अब केना कल अभी उन्हें थे लेकिन पटक पटक सलाह सुझाव ले सर है और हम सब उनके सुझाव एक दू पटक दाम अपनों गेल सी बेहतर मुख्यमंत्री के साथ और जो हमारे लीडर सर सतनायक के साथ अपनों गेल रहे और उन्हें बहुत जिज्ञासा सब भी उठल रहे बहुत सुझाव सलाह सर और मुख्यमंत्री भी जी भी बहुत गंभीर सर बहुत चिंतन मनन करित रहे सर जी तो उनका क्रियाकलाप से असंतुष्ट है ठीक है अब प्रधानमंत्री के कोनो बात से चोट लागल होता कोनो बात से उनका असर लेकिन मुख्यमंत्री जी के भी हम देखली कुछ बात में बहुत सीरियस बहुत जो केना के मैंने मधेश के समृद्धि कर दिया प्रदेश नंबर दू के केना के सहमति अगड़ी बढ़ाई जाए तेमें और विकास केना अगड़ी बढ़ाई जाए तेमें देखली विशेष रूप से देखली गंभीर चिंतन हमरा सबके साथ जे बजे डायलॉग कल के तेमें की बात एक बात कहूँ अब अंतिम प्रश्न रहा नेपाल कम्युनिस्ट के इतिहास में नेपाल के कम्युनिस्ट के इतिहास में उस प्रधान शत्रु छुटी अभी छे अहाँ सबके प्रधान शत्रु मधेश केन्द्रित दल की नेपाली कांग्रेस अब देखो अब काल तक मैंने हम सब प्रधान शत्रु सामंतवाद के धन्य छे और सामंतवाद के नए के दरबार छे राजा छे देखो अब शत्रु में की होइ छे कनी के कनी के कोई नजदीक रह कनी दूर रह ने प्रधान शत्रु अखन हम सब ओकरा बैठ से नहीं रखने छे किचान निकलने छे अब हमरा सब के अब पार्टी अब दोनों पार्टी एक दल छे अब विधान बनते राजनीति दस्तावेज सब निकालते अब राजनीति दस्तावेज से छिनो फानो कर लेते अब प्रधान शत्रु रखल जाए कि नहीं रखल जाए शब्द में है ना ऐसे कहीं ठेस पुगते कि ऐसे कहीं चोट काल हमारे सहयात्री मित्र नेपाली कांग्रेस सब स्थानीय चुनाव में मैंने अलग अलग लड़े माओवादी और नेपाली कांग्रेस से एक ठाउँ मोर्चा बनाकर लड़े ए माले के विरुद्ध में एमाले भी उनका विरुद्ध में मोर्चा बनाकर लड़े मैंने देख लगे स्थानीय चुनाव में फोन मैंने संघ के प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस अलग मोर्चा बना के चुनाव में प्रदेश के चुनाव में नहीं और एमाले और माओवादी दोनों सब ना प्रदेश के चुनाव में आहा सब के अघोषित रूप से मधेसी दल सके एकता रहे नहीं हमेशा भी नहीं मधेसी दल सबसे कोनो एकता नहीं मधेसी दल सब तो भाई हमेशा के विरुद्ध में कट्टर रूप से विरोध मत रहे थे हाँ माओवादी के साथ हमेशा एकता रहे उधर जब जाए जो जब जाए सब जाने चाहिए और ये पार्टी एकता भी घोषणा कर शो रहे जो मैंने चुनाव के सकला के लगते मैंने हम सब कार्यदल बने नहीं थी तकर बाद मैंने हम सब पार्टी के बैठ कर पार्टी एकता की घोषणा कर शो पहले ही रहे उद्घोष कर देने जो हमारे सब दूती हाई मैंने सरकार बनाने के लिए हाथ से मत दिए जनता से आह्वान कर रहे थे जो हम सब दूती हाई की सरकार बनाकर और देश के मैंने समृद्धि लाए मैंने हमारे सब मैंडेट दिए जनता प्रदेश दो नंबर में आज सब सरकार में सवारी हो गई स्वाभाविक बात है अब पार्टी के निर्देशन होते अब जनक केंद्र में उपेंद्र जी संघ समाजवादी फोरम में केंद्र में नहीं, 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 अगर अहो सत्ता पड़ते तो उपेंद्र यादव जी के सरकार में सहभागिता करा देवाए या मंत्री में इस सरकार ऑलरेडी बहुमत में छे बहुमत से कहीं बेसी संख्या छे कोनो जरूरी नहीं छे तो आहा सब सहभागी करे लिए उपेंद्र जी के राजपा के समर्थन देनी छे सरकार वही रूप से अहा सब ये नहीं मांगे छे जब हमरा सब के प्रदेशों में भाग बंटा कर दिया हमरो सब के सरकार में सवारी कराओ नहीं हम सब अभी तक से अथी नहीं मांगने के छे अगर आवश्यकता अगर राजनीति मुख्यमंत्री पतन के अहा सब के ई त राजनीति पतन दोनों पार्टी के छे अहू के पार्टी के और फोरमो के या राजपा जो सरकार में सवारी हो छे त राजपो के मधेस में ओते अहा के विरोध करबे अहू प्रदेश सरकार के अहू भी विपक्ष में बैसे छे कोनो अवस्था में मतदानो विपक्ष में करबे और केंद्र में संगे संगे राजनीति करबे ई कते अहा के नैतिक उच्च नैतिक बान अहा सब के पार्टी के प्रदर्शन कर रहल है नहीं एना है ओना तो बाहर से पहले से हम सब समर्थन करने छलिए जे जे उपेंद्र यादव जी मैंने संघ समाजवादी फोरम में सरकार मैंने संघ तखन तो हम सब मैंने समर्थन देने छलिए तो अहा के नैतिक आधार नहीं है ना समर्थन सरकार के विरोध में अहा के नहीं करू हमर समर्थन है हैने हम अहा के साथ देवल तैयार छी मधेश के विकास करो मधेश के समृद्धि लाओ हैने अहा निक से चलाओ कोई के लिए हम अहा के साथ देवल तैयार छी जखन अहा गलत काम करब मधेश के विरुद्ध में खराब काम करब तेकर बाद हम अहा के साथ ले देब खबरदारी करब ई सब त कुछ हम सब लिखिते दकत के रहते समर्थन
अब रहे अब अखन मैंने कुछ दिन के बाद मैंने संघीय समाजवादी फोरम केंद्रीय सरकार में संघीय सरकार में चल छ अब रह गए दुनिया और प्रदेश के सरकार बनाबे के सवाल में अखन उ सब सरकार तो बने नहीं आवश्यकता अगर महसूस होते सर सलाह अगर होते अगर उनका महसूस होते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के भी सरकार में शामिल कर ले केंद्र में जाकर दुनू एक जगह बसते प्रदेश में आकर अलग अलग बसते नैतिकता तो प्रदेश में अलग अलग हम तो उनका समर्थन करते हैं ना विपक्ष में बैठी छी ना अहां के पार्टी विपक्ष में बैठी छी बैठी छी लेकिन हम सब बाहर वीरेंद्र यादव जी विपक्ष में नहीं बैठी छी वो तो सरकार में थे वो विपक्ष हम लोग सरकार तो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी विपक्ष के टेबल पर बैठना क्यों जरूरी नहीं थे बाहर समर्थन के लिए जरा थोड़ी विपक्ष प्रतिदिन है आवश्यकता अगर जखन मुख्यमंत्री जी आवश्यकता महसूस करते हैं अगर मैंने फोरम की आवश्यकता होती तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के भी सरकार में शामिल निकल जाए अगर लेकिन कल के दिन में शामिल केंद्र में बात भी चल चुकल बात चल रहा जानकारी चलो समय जमा ताकि बहुत बहुत धन्यवाद है बहुत निक निक प्रश्न के लिए और जते सुना वाला मित्र सबके सबके हम धन्यवाद देब चाहे छी ठीक खुशी लागल दशमिन ई छलै था तत्कालीन नेकपा एमाले के जिला अध्यक्ष अखन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के धनुषा के नेता हिनका संगे हम सब अखन पार्टी के एमाले प्रदेश के गतिविधि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश के गतिविधि लगायत के विषय वस्तु के संदर्भ में जोड़ कर आई सब हम सब संवाद करब कार्यक्रम केहन लागल देख कर प्रतिक्रिया जरूर देव व्यस्त नमस्कार